पहली तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज संगीत, जहाँ पे सब आंटियाँ थोड़ी थोड़ी टकाके बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully. मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है, and I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. But the difficult part for your role is, एक में आप बहुत ही gorgeous, you know, लंबे बालों वाली तनु हैं, और फिर कुसुम, and then it's short hair. So do you think ये जो दो looks हैं separate, ये बहुत ही मुश्किल से यू नो उसको डिस्टिंक्ट करने में क्या आपकी मदद की, किस चीज ने आपकी मदद की? आई थिंक लड़कियों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है डबल रोल में। आई अप्रोच माय कैरेक्टर्स इन थ्री स्टेजेस, इमोशनल जर्नी, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो जहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, हेयर इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। तो उसमें ये एक घुंघराले बाल, और दूसरा हमने सोचा कि अगर स्ट्रेट बाल और छोटा सा मतलब थोड़ा सा लहराते हुए स्ट्रेट बाल होंगे तो एक नया लुक लगेगा। और टू माय सरप्राइज, मुझे लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो लड़कियों में वेरिएशन दिखाने में, लेकिन मुझे सेट पे भी कोई नहीं पहचानता था। जहाँ पे मैं शूटिंग करती थी वहाँ पे सब लोग मेरे पीछे खड़े हुए लोग कहते थे वो कंगना तो आई नहीं, कह रहे थे उसकी शूटिंग है। तो आई थिंक हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। एब्सोल्युटली, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, अ लेडी आई एडमायर बिकॉज शी हैज गॉर्जियस हेयर एंड एवरी टाइम आई सीन हर शी इज एक्चुअली वोर्न इट डिफरेंटली, इज द वुमन हु इज बिहाइंड दीज वंडरफुल फिल्म्स एंड ब्रिंग्स देम ऑन 70mm फॉर अस, कृषिका लुल्ला, द प्रोड्यूसर एट ईरॉस इंटरनेशनल। मे वी हैव यू विद अस ऑन स्टेज? हेलो कृषिका, इससे पहले कि मैं मैडी से उनकी जुल्फों के बारे में पूछूं, आई वांट टू आस्क यू, हाउ डू यू मैनेज टू कीप दैट गॉर्जियस मेन ऑफ योर्स ब्यूटिफुली मेंटेन्ड एंड यू नो बी दिस स्टाइलिश लाइक यू ऑलवेज हैव बीन? गुड इवनिंग एवरीवन। यस, आई मे बी अ प्रोड्यूसर बट आई एम अ वुमन टू, सो एज अ प्रोड्यूसर आई डोंट थिंक सो दैट विल लिमिट मी टू बी अ स्टाइलिश वुमन। आई लव ड्रेसिंग माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाई। But you know, wearing your hair is not easy, like what Kangana was saying. It's always a challenge. So do you think that when you, every time you change your attire, you like to change your look with your hair? Yes, I would love to do that. And okay, what about bringing these women-oriented films? I'm sure Maddie will agree. To a great extent, this movie belongs to Tanu and now Kusum. So yeah, you know, after NH10 and now this, is this something that you concertedly like look forward to doing, a woman-oriented film and getting these gorgeous actresses to do something like that? It was a lucky coincidence that both my film NH10, now Tanu Ez Manu, returns fell back to back. So it was a coincidence because I'm always trying to touch different kind of genres which I've been doing. Yeah. So after this I'm doing something, a musical drama. So I like to touch different kind of genres. Any memory that you'd like to bring to fore? Aaj itne saare log hain, bahut kam behind the scenes inko sunne ko milte hain. Tanu Ez Manu returns ki ye khas यादगार जो आप यहाँ पे सबसे शेयर करना चाहते हैं सबके साथ? जब हमने पहली शेड्यूल की थी एंड झज्जर, तो बहुत ठंड था, वी यूज्ड टू, हमने झज्जर में ना, झज्जर आपको क्या सुना गया? कौन कौन सी जगह जहाँ पे मैं नहीं गई? नहीं, झज्जर झज्जर, हाँ, तो वहाँ पे बहुत ठंड थी, वी यूज्ड टू लाइक, हमने कहा कि यार अच्छे कपड़े दे दो ताकि स्वेटर वेटर लेके साथ हम शूट करेंगे। फिर बाद में उन्होंने जो क्लाइमैक्स शूट किया पैचवर्क, वो बॉम्बे में शूट किया था उन्होंने, जहाँ पे इतनी गर्मी थी कि हम क्या क्या बताएं कि कौन सा हिस्सा गीला हो गया था। Which is pretty much the season right now. Maddie, हर एक you know, इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, you know, when they start nearing 30s or maybe even mid-20s, they start losing their hair. और ये मर्दों की सबसे बड़ी मतलब आई थिंक टेंशन वाली बात होती है। How have you maintained such gorgeous mane for a man? और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मैडी के बाल अपने हैं, ये वीक नहीं लगाते। हाँ, खुद के हैं भैया। सोच समझ के ढंग के फिल्में करता हूँ ताकि रिलीज होने के बाद ज्यादा बाल नोचने की नौबत ना आए। बड़ा I just think stress-free रहना चाहिए आपको, और good jeans मेरे माँ बाप ने जो मुझे jeans दिए उसकी वजह से ये बाल हैं।